हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दे आर कलर्ड इन नेचर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड नेचर के कैसे होते हैं, ये हमारे को आज समझना है। देखो, एक सबसे बेसिक सा इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान से देखना है समझने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। अब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड में हम क्या बोलेंगे, सबसे एक बेसिक चीज़ हमारे को समझनी है। अब कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, एनी डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हम पढ़ने वाले हैं, बट ये चैप्टर के रिलेटेड पॉइंट आया है तो वी नीड टू से दिस पॉइंट। आपका अगर सपोज कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है और आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यू हैव अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने के बाद ही कलर्ड कंपाउंड बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है अगर कि व्हेन अ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, तो बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स व्हेन द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास है, उस डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। व्हेन यू कंसिडर जिंक, ZN, ZN का अगर आपने कॉन्फिग्रेशन देखे तो इट इज़ 3D10 4S2, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में 10 है। अगर आपको पूछा जाए कि जिंक कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है क्या, तो हमारा आंसर विल बी नो, जिंक कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका जो डी ऑर्बिटल है कम्प्लीटली फिल्ड है। फिर उसके बाद कॉपर। कॉपर का जो कॉन्फिग्रेशन है, कॉपर का कॉन्फिग्रेशन है 3D10 4S1, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल अभी फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब काम का नहीं इन द सेंस कलर फॉर्मेशन के रिलेटेड इसका कोई पॉइंट नहीं आता है। जिंक इज 3D10 4S2, कॉपर इज 3D10 4S1। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इज जिंक कलर्ड इन नेचर, तो हम बोले जिंक विल नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्यों, इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। कॉपर कलर्ड कंपाउंड बनाता है कि तो हम बोलेंगे कॉपर विल नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्यों, क्योंकि कॉपर के पास डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सबके सब पेयर्ड है। अब अगर सपोज पूछा जाए कॉपर प्लस टू कलर्ड कंपाउंड बनाएगा क्या, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर प्लस टू कलर कंपाउंड बनाएगा क्या, तो हमारा आंसर रहेगा यस। कैसे? कॉपर प्लस टू मतलब कॉपर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते पहले एस ऑर्बिटल के निकलते, फिर डी ऑर्बिटल के निकले जाते हैं। तो टोटल डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कॉन्फिग्रेशन विल बी 3D9 और ये आ जाएगा 4S0। कॉपर प्लस टू में अगर आप देखेंगे तो कॉपर प्लस टू में आपको दिखाई देगा कि 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर में अगर देखेंगे तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। यहाँ पे फाइनल इसमें आप अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा। जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना, तब क्या होता है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाता है। अब आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके पहले सुने होंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दैट विल बी सेंट्रल मेटल, तो ऑब्वियसली हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अब इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड कब रहेंगे, ये हमारे को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। व्हेन योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, या फिर ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कलर, तो हम बोलेंगे हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिनका सेंट्रल मेटल जो है वो डी ब्लॉक का है, ठीक
उस सेंट्रल मेटल का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा दिखता है कि आपका जो एलिमेंट है वो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब जाके वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। तो मैं ऐसा बोलेंगे ओनली दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, इन विच सेंट्रल मेटल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बना, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब कलर कंपाउंड कौन सा वाला फॉर्म होता है, ये एक बहुत सिंपल बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंड करता, मतलब एक जनरल सा रूल है, ये रूल आपको फॉलो करना है। आप क्या करो, सबसे पहले दो ट्राइंगल निकाल लो ऐसे उल्टे, ठीक है, इस तरीके से आपको ट्राइंगल निकालना है। अब आपको क्या करना है, सर वी बी जी वाई ओ आर लिख देना है। आप लोगों ने विप जॉर सुने होंगे, विप जॉर में का आई हटा देना है, वी बी जी वाई ओ आर आपको लिख देना है। अब ये जो है ये कलर से बेसिकली, अब पॉइंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, बार बार बोलूंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कंपाउंड्स कलर बताएंगे। देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल, K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम पे का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो आइडियली इट शुड हैव नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, फिर भी वो कंपाउंड का ऑरेंज कलर आता है। वो क्यों आता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टिल दे हैव कलर, तो उसका पॉइंट जब डी ब्लॉक चालू होगा तब डिस्कस करेंगे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में से, विजिबल रीजन ऑफ लाइट बोल सकते हैं हम जिसको, विजिबल रीजन ऑफ लाइट यानी विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम में से आपका जो सेंट्रल मेटल है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यस, अ डी ब्लॉक एलिमेंट और सेंट्रल मेटल एब्जॉर्ब द पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा। वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के बाद में, आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ वेवलेंथ, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एक कलर इमिट होगा। अब जैसे कि एक सिंपल सा पॉइंट, अगर आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में से वो रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब अगर करता है, प्रोवाइडेड योर डी ब्लॉक एलिमेंट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने के बाद आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है सपोज इट इज एब्जॉर्बिंग अ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर। कुछ टाइम तक आपका जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे रहेगा, और हायर एनर्जी लेवल पे रहने के बाद इट इज़ गोइंग टू इमिट अ वेवलेंथ, इट इज़ गोइंग टू इमिट अ वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ एलिमेंट इमिट करेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, रेड के एग्जैक्ट सामने कौन सा दिख रहा, ग्रीन, तो इसका मतलब ये रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू, ये पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। अगर सपोज कोई एलिमेंट रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, ये एक जनरल थम रूल है, ये थम रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, मैं आपको कुछ कंपाउंड एंड में लिखाऊंगा जिनकी वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब होती है वो, और जिनके कलर कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। ये 5 से 6 बहुत बार पूछे जाने वाले कंपाउंड है, आई लिस्टेड यू दोज कंपाउंड्स, आपको वेवलेंथ एब्जॉर्ब कौन सी है और कलर कौन सा है वो मैं लिखा दूंगा। कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक में लर्न करना पड़ता तो वो कोई पॉइंट नहीं, बट ये आपको आंसर में समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता, फिर उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे प्रमोट होता, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद कुछ वक्त तक हायर एनर्जी लेवल पे रहता है,
फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी पे जम्प करेगा और क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ इमिट होगी, और जो वेवलेंथ इमिट होती है ना, वो हमको कलर एज अ कलर दिखाई देती है। अगर आपको ग्रीन कलर कहीं दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस ने रेड कलर एब्जॉर्ब किया है। अगर आपको कोई वॉयलेट कलर दिखाई देता है, इसका मतलब कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है, येलो कलर का। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखने वाला है। ये एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे के जो पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से कलर दिखेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों बनाते हैं, वही पॉइंट बोलेंगे हम। वेन एवर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एब्जॉर्ब्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, देन इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाइयर एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से क्या होगा, इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद में वो एक ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ इमिट करेगा। जैसे कि सपोज आपके पास में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Ti H2O टेकन 6 times, और इस पे चार्ज +2, सपोज +2 चार्ज, या इस पे +3 चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं। टिटेनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 22। एटॉमिक नंबर 22 रहने के बाद हम बोलेंगे Ti+3 चार्ज। अभी देखो आप Ti का ऑक्सीडेशन नंबर आप X कंसिडर करके निकालो, इफ यू कंसिडर Ti एज X तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Ti का +3, डेफिनेटली +3 आएगा। इसका कॉन्फिग्रेशन अगर देखें तो 3D2 4S2 इज ऑफ Ti, Ti का कॉन्फिग्रेशन 3D2 4S2 है। Ti+3 अगर आपने देखे तो हो जाएगा 3D1 4S0, आपके डी ब्लॉक में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, जिस डी ऑर्बिटल इज एट ग्राउंड स्टेट, हम ऐसे सपोज कंसिडर कर रहे हैं। क्या होता आपका जब लिगैंड अप्रोच करता, तो हमने CFT से बोले हुआ है कि CFT के वजह से लिगैंड जैसे अप्रोच करेंगे तो आपका सेंट्रल मेटल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद ऑब्वियसली जब लिगैंड आ जाता है तो दो टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। आपका जो डी ब्लॉक है, जनरली आप सेल्फी ऐसे लेते होंगे, फोटोज वगैरह निकालते होंगे, वैसे ध्यान रखना है, डी ऑर्बिटल विल स्प्लिट इन टू टू एनर्जी लेवल। अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स का टाइप देखना है आपको। कॉम्प्लेक्स का टाइप है H2O टेकन 6 times, मतलब ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स में ऊपर का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं EG, नीचे का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं T2G, ठीक है। T2G और EG ये हमारा लेवल है। अब आपको ये देखना है कि इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिग्रेशन T2G1 EG0 है, T2G1 EG0। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स है Ti H2 टेकन 6 times+3, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा फिजिबल रीजन से। विजिबल रीजन से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन T2G से किसमें चले जाएगा, EG में। तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ पर्टिकुलर वेवलेंथ द कॉन्फिग्रेशन विल चेंज फ्रॉम T2G0 EG1। आपका जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने पहले का कॉन्फिग्रेशन था, दैट वॉज T2G1 EG0। अब आप वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने के बाद का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन इज T2G0 EG1। तो एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है, दिस इज डी ऑर्बिटल, दिस इज डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एट लोअर एनर्जी, डी ऑर्बिटल एट हायर एनर्जी, ऐसे ट्रांजिशन को हम DD ट्रांजिशन बोलते हैं। कौन सा ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज DD ट्रांजिशन, इसको हम DD ट्रांजिशन बोलेंगे। तो वेन द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, तो कुछ देर तक आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे रहेगा। हायर एनर्जी लेवल पे रहने के बाद इधर से कुछ वेवलेंथ इमिट होगी, और ये जो वेवलेंथ इमिट होने वाली है, ये इसका कलर हमेशा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो हम एक सीधा सिंपल सा पॉइंट बोलेंगे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हेन यू हैव सेंट्रल मेटल
इफ यू हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल देन द डी ब्लॉक एलिमेंट विल एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल. लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे कुछ देर तक रहेगा एंड फिर उसके बाद में वहाँ से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करना चालू कर देगा. जैसे ही आपका डी ब्लॉक एलिमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करता है बाहर तो क्या होगा, आपको कलर दिखाई देगा. तो कलर क्यों मिलता है, वेवलेंथ एब्जॉर्ब कॉजेज एक्साइटेशन. आफ्टर एक्साइटेशन वेवलेंथ इज इमिटेड एंड द वेवलेंथ विच इज इमिटेड विल बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर को जो कलर दिखता है वो ये वेवलेंथ का होता है और ये वेवलेंथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब. तो इस वजह से आपका जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर डी ब्लॉक भी बोल सकते हैं आप, ये कलर्ड होता है. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट आपको मालूम रहना. अब कलर्ड कंपाउंड्स के अंदर आपको कुछ इम्पोर्टेंट से कंपाउंड्स मैं बोलूँगा. प्लीज़ राइट डाउन नेम्स ऑफ द कंपाउंड एंड ऑल्सो द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. पहला जो है Ti(H2O) टेकन 6 टाइम्स प्लस 3 चार्ज. प्लीज़ राइट डाउन कलर लिखना है आपको. Ti(H2O) टेकन 6 टाइम्स प्लस 3 चार्ज, उसमें लिखो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर. वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर हैविंग वेवलेंथ 498 नैनोमीटर. और आपका जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो रहेगा पर्पल. कौन सा रहेगा, पर्पल. ठीक है, तो Ti(H2O) टेकन 6 टाइम्स मतलब यही वाला Ti(H2O) टेकन 6 टाइम्स, इसका कलर होगा पर्पल. ये कलर याद रखो आप, तो Ti(H2O) टेकन 6 टाइम्स है पर्पल कलर. फिर उसके बाद CO(CN) टेकन 6 टाइम्स, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज -3 लिखना है. CO(CN) टेकन 6 टाइम्स, CN मतलब साइनाइड. ठीक है, तो CN टेकन 6 टाइम्स -3 चार्ज. इसका जो वेवलेंथ एब्जर्ब होता है वो 310 नैनोमीटर है और इसका जो कलर है वो अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट रेड, अल्ट्रा वायलेट कलर एब्जर्व होता है. और आपका जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पेल येलो रहेगा. तो पेल येलो विल बी द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CO(CN) टेकन 6 टाइम्स चार्ज -3. फिर उसके बाद CO(Cl) NH3 टेकन 5 टाइम्स, CO(Cl) NH3 टेकन 5 टाइम्स और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज रहेगा आपका +2. इसका कलर जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड का येलो और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो रहेगा वॉयलेट. फिर उसके बाद CO(NH3) टेकन 5 टाइम्स H2O, CO(NH3) टेकन 5 टाइम्स H2O और इसका जो चार्ज है टोटल इट इज +3. तो इसका जो कलर है वो रहेगा एब्जॉर्ब कलर ऑफ वेवलेंथ इज ब्लू ग्रीन और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर रहेगा दैट विल बी रेड पर्पल, रेड पर्पल. फिर उसके बाद CO(NH3) टेकन 6 टाइम्स, टोटल चार्ज +3, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज ब्लू एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर मिलेगा. फिर CO(H2O) टेकन 4 टाइम्स +2, CO(H2O) टेकन 4 टाइम्स +2 अगर लिए तो उसका कलर जो रहेगा दैट इज रेड, रेड कलर रहेगा और कलर ऑफ एब्जॉर्ब वाला रेड रहेगा और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कलर है वो ब्लू आएगा. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. ठीक है, ये ट्रायंगल जो मैंने बताया उससे मैच नहीं भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये कलर याद रखने हैं. ठीक है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने जो ट्रायंगल बताया उससे तो इसका कोई मैच ही नहीं हो रहा. मैच नहीं हुआ तो चलता, बट जो मैंने कंपाउंड्स बताया है वो एज इट इज़ आपको उसके कलर याद रखने हैं. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हमारा CFT. तो CFT एक्सप्लेन्स कलर ऑफ कंपाउंड, CFT एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, कब आपका कंपाउंड लो स्पिन है, कब आपका हाई स्पिन है, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, ये भी पूरा CFT एक्सप्लेन करता है. अब ड्रॉबैक ऑफ CFT कह रहे हैं, व्हाट अ ड्रॉबैक ऑफ CFT, प्लीज़ राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ CFT. छोटा सा पॉइंट है ड्रॉबैक ऑफ CFT में. आपने देखे CFT में डी ऑर्बिटल यूज होते हैं. CFT में कहीं भी
एसपी ऑर्बिटल्स का उल्लेख नहीं है। तो अगर कंपाउंड आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो s और p ऑर्बिटल तो होने चाहिए। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो इसमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक लिख लो CFT का, CFT डू नॉट इंक्लूड SNP ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकेंड, CFT कंसिडर्स द बॉन्ड एज आयोनिक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, और ये पूरी थ्योरी में क्या बोला जा रहा कि पूरे बॉन्ड आयोनिक है। इट डू नॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, इट डू नॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो हम शेप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉबैक्स है CFT के। तो शेप के लिए CFT सही नहीं थी, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो शेप कहाँ से एक्सप्लेन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से ड्रॉबैक है CFT के, ये भी आपको याद रखने हैं। ट्राई टू फाइंड मोर ड्रॉबैक्स ऑफ CFT, और VBT और CFT दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद।